इतने बजे शुरू होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सेमीफाइनल मुकाबला। इन 11 खिलाड़ियों के साथ उतरेगी टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। वुमेन टी20 वर्ल्ड कप 2023 की सेमीफाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला केप टाउन में शुरू होने जा रहा है। इस महामुकाबले के लिए दोनों टीमों ने अपनी अपनी प्लेइंग 11 का भी ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यह मुकाबला कितनी बजे शुरू होगा और आप इस मुकाबले को किस प्रकार से लाइव देख सकेंगे और साथ ही दोनों टीमों की क्या है प्लेइंग 11, तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में हराकर फाइनल में जगह पक्की करे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की टीम की हम बात करें तो अब तक ऑस्ट्रेलिया का टीम का परफॉर्मेंस काफी शानदार रहा है और 4 में से 4 मुकाबले जीत कर यह टीम सेमीफाइनल में पहुंची है। जबकि दूसरी तरफ टीम इंडिया की बात करें तो टीम इंडिया 3 मुकाबले जीत कर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की है। तो यहाँ पर टीम इंडिया का मुकाबला बेहद ही मजबूत ऑस्ट्रेलिया की टीम से होने जा रहा है। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की टीम की प्लेइंग 11 की बात करें तो इस टीम के पास एक से बढ़कर एक खिलाड़ी मौजूद हैं। इस टीम की ओपनिंग जोड़ी की हम बात करें तो बेथ मनी के साथ एलिसा पैरी उतरने वाली हैं। ये जोड़ी काफी खतरनाक है और टीम इंडिया के लिए खतरनाक भी साबित हो सकती है। इसके बाद नंबर 3 पर कप्तान लेनिन उतरेंगी तो नंबर 4 पर गार्डनर उतरने वाली है। तो वहीं पर नंबर 5 पर थालिया मैग्रात उतरेंगी तो नंबर 6 पर ग्रे हेरिस उतरने वाली है। वहीं नंबर 7 पर वराहम उतरेंगी तो नंबर 8 पर एनाबेल उतरेंगी। वहीं नंबर 9 पर एलाना किंग उतरने वाली हैं तो नंबर 10 पर मैगन सचूत उतरेंगी, जबकि नंबर 11 पर ड्रेसी ब्राउन उतरने वाली हैं। देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की टीम काफी मजबूत नजर आ रही है और भारतीय टीम को अगर ऑस्ट्रेलिया को हराना है तो फिर एक अद्भुत मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के सामने खेलना होगा, क्योंकि अब तक ऑस्ट्रेलिया की टीम के परफॉर्मेंस की बात करें तो सबसे बड़ी से बड़ी टीमों को भी इन्होंने एक तरफा मुकाबले में हराई है। तो वहीं पर भारतीय टीम के सामने भी ये टीम काफी मजबूत नजर आती है। वहीं पर टीम इंडिया की हम बात करें तो इंडिया के लिए पारी की शुरुआत करती हुई नजर आएंगी शेफाली वर्मा, तो उनके साथ होंगी स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना की बात करें तो अब तक की गजब की फॉर्म दिखाई है। पहला मुकाबला उन्होंने नहीं खेला था, लेकिन इसके बावजूद अंतिम 2 मुकाबले में बैक टू बैक 2 अर्धशतक उन्होंने जमा दिए हैं और पिछले मुकाबले में तो शानदार 87 रनों की पारी खेली थी। तो यहाँ पर स्मृति के साथ शेफाली से भी काफी शानदार परफॉर्मेंस की उम्मीद होगी। इसके बाद बात करें नंबर 3 पर तो जमाइमा रोड्रिस उतरने वाली है, तो नंबर 4 पर कप्तान हरमनप्रीत कौर उतरेंगी। हरमनप्रीत कौर का परफॉर्मेंस अब तक काफी निराशाजनक रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि यहां पर उनका बल्ला जमकर चलेगा। इसके बाद नंबर 5 पर उतरने वाली है ऋचा घोष। ऋचा ने भी अब तक इस टी20 वर्ल्ड कप में काफी शानदार परफॉर्मेंस किया है बल्ले से, तो इन्हें एक बार फिर बेहतर खेल दिखाना होगा। इसके बाद नंबर 6 पर दीप्ति शर्मा उतरेंगी, तो नंबर 7 पर पूजा वस्त्रकर उतरने वाली है। नंबर 8 पर एक बार फिर राधा यादव हमें खेलती हुई नजर आएंगी, तो नंबर 9 पर शिखा पांडे उतरेंगी, जबकि नंबर 10 पर राजेश्वरी गायकवाड़ उतरने वाली है। तो नंबर 11 पर रेणुका सिंह ठाकुर उतरेंगी, जिन्होंने अब तक टीम इंडिया के लिए सबसे बेहतरीन गेंदबाजी करके दिखाई है। तो यहाँ पर रेणुका सिंह ठाकुर से एक बार फिर उम्मीद होगी कि ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर को ढहाने में ये शुरुआती ओवरों में ही कामयाब होंगी। वहीं पर इसके अलावा दोस्तों बात की जाए दोनों टीमों के परफॉर्मेंस की, तो भारतीय टीम अब तक शानदार परफॉर्मेंस करती आ रही है इस वर्ल्ड कप में, लेकिन बड़ी टीम यानी कि इंग्लैंड को टीम इंडिया नहीं हरा पाई थी, तो ऑस्ट्रेलिया से उन्हें और कड़ी टक्कर मिलेगी। वहीं पर दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आखिरकार यह मुकाबला कितनी बजे शुरू होगा। तो दोस्तों, यह मुकाबला खेला जाएगा भारतीय समय अनुसार शाम के 6:30 पर 23 फरवरी को, जो कि केप टाउन से लाइव आएगा, जिसे आप हमारे टेलीग्राम पर लाइव देख सकेंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप स्टार स्पोर्ट्स पर भी लाइव का आनंद ले सकेंगे। दोस्तों, अगर आप भी शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, क्या लगता है टीम इंडिया फाइनल में जगह बना पाएगी या नहीं? आप हमें महत्वपूर्ण राय अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर दें और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।